समुंदर से हमारा कोई गहरा रिश्ता है, ये मैं खुद भी चला सकती हूँ। गिरी तो लाइफ जैकेट वगैरह नहीं है तेरे पास? मैं तैयार रील कर दूंगा। टाइटैनिक तो नहीं हो पाएगा। Hey guys, welcome back to the channel Sky High. आज मेरी और शादुल की 5th मैरिज एनिवर्सरी है। लास्ट टाइम हमने एक यॉट बुक किया था जो आपने शायद देखा ही होगा। वो मोमेंट हमारे लिए इतना एंजॉयबल था कि इस बार हमने सोचा कि क्यों ना वो फिर से ट्राई करें एंड वो एक्सपीरियंस फिर से ले। इसलिए हम लोग आए गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक बंदर है। हमने एक यॉट बुक की है। Yes, और यहाँ पे एक्चुअली मॉर्निंग में आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग क्लाइमेट है और प्लस सनराइज जस्ट हुआ है, जैसे गोल्डन सन दिख रहा है। सो हम एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा अर्ली रहते तो डार्कनेस रहता और धीरे धीरे राइज करते हुए दिखता, बट इट्स स्टिल रियली ब्यूटीफुल एंड रियली प्रीटी एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड हम सो के ही नहीं उठे, अदरवाइज हम सनराइज जरूर देखते थे, बट वो हमारा मतलब पवई से ये थोड़ा सा दूर है, सो ठीक है, इतना ट्रैवलिंग टाइम हमारा चला गया। अदरवाइज फिर भी मॉर्निंग में फिर भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे और इतने सारे बर्ड्स है। And ये मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है। We watch the sun go down over the same old town like so many times before. जब आप यॉट बुक करते हैं तो आपको सबसे पहले ताज होटल के सामने एक्जैक्टली यहाँ पे अपोलो बंदर है वहाँ आना पड़ता है। यहाँ पे आप रजिस्टर में आपके नाम की एंट्री प्लस आपका टाइम एंड डिटेल्स देना पड़ता है। उसके बाद में वो लोग आपको नीचे एस्कॉर्ट करते हैं और एक छोटे बोट में लेके जाते हैं। तो हमने अभी अपना नाम एंटर कर दिया है और बस मुझे कॉल आ गया उनका, वो मुझे एस्कॉर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से अभी नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी वाली बोट आने वाली है, इसको डिंगी बोलते हैं वैसे ये लोग देसी लैंग्वेज में। ये बोट से हमें वो आगे लेके जाएंगे, नॉट ये वाली, इसके बाद वाली आने वाली है। तो आपने कुछ बैग्स या कुछ लाया रहा तो वो वहाँ पे चेकिंग होती है। वैसे तो हमने कुछ नहीं लाया, तो हम लोग डायरेक्टली आगे। अभी हम लोग बैठे हैं हमारे डिंगी में, डिस्को डिंगी बोलते हैं छोटी बोट को, और जा रहे यहाँ से हम लोग यॉट पे। यस, सनराइज हो चुका है यार, थोड़ा सा जल्दी आते ना हम लोग, बट क्या करें, हमारा घर बहुत दूर है। मॉर्निंग में अच्छा लगता है, मॉर्निंग वाइब तो हमेशा पीसफुल ही रहती है। ये वाला है क्या? ये वाला है हमारा बोट रेड बलून्स के साथ। समुंदर से हमारा कोई गहरा रिश्ता है। हाँ, बार बार समुंदर के पास आते हैं। सुबह सुबह पड़ जाते, ये मैं खुद भी चला सकती हूँ। ऐसे करो तो लेफ्ट, ऐसे करो तो राइट। ओ, ये शाहरुख गाने लगाओ ना अच्छे वाले। हमारे पास यहाँ पे स्पीकर आता है बोट में, वी कैन प्ले एनी सॉन्ग्स वी वांट। हमारे मोबाइल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमको ये पानी की बॉटल्स मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री। आप यॉट बुक कर सकते हो किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे हमारी एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, या आपको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड को आपको प्रपोज करना है, ये यॉट बुक कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा आपका मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं एंड ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहेगा, बिकॉज आप समुद्र के बीच में जाके किसी को प्रपोज कर रहे हो या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। सो बहुत ही प्यारा मोमेंट वो रहता है, बिकॉज हम इस मोमेंट में जी रहे हैं तो हमको पता है कि इतना अच्छा लग रहा है, फीलिंग जो है ना वो बता नहीं सकते। आगे सनराइज हो रहा है, एक्चुअली हो चुका है एंड बहुत पीस है, आपको कुछ भी शोर सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपना डेकोरेशन, केक, आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो, उनके पास उनकी लिस्ट होती है, आप उसमें से कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हमने बलून डेकोरेशन किया है एंड हमने बुके एंड केक ऐड ऑन किया है, सेम आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा वो वाली बोट में आडू वे, वो वाली बोट है वो। हमारे बोट का नाम है फ्लोरा क्वीन, क्या रॉयल नाम है ना। वाह, चलते ऊपर यार, मैं पढ़ रहा था ना, मैं गारंटी नहीं देता भाई। चल बराबर, डूबी तो मैं तेरा रील कर दूंगा, डूबे डूबे वाला। ए चढ़ गई,
गिरी तो लाइफ जैकेट वगैरह नहीं है तेरे पास भाई? अपने पास लाइफ जैकेट रहता है, लाइफ जैकेट रहता बोले गिरने के वो गिरने का वेट करते हैं उसके बाद लाइफ जैकेट पहनाते हैं। लाइफ जैकेट सबके लिए अवेलेबल रहता है ना? मेरे को भी आना पड़ेगा क्या? रुक जा, क्या प्यारा लग रहा है यार ये। मुझे अचानक से डर लगा, मेरे पैर को पानी लगा। तुम संभल के आओ। हाँ हाँ मैं कर रहा था। अरे ठंडा भी लग रहा है, सन का हीट भी मिल रही है। अभी हम लोग अपना फोटो सेशन कर रहे थे भाई, वैसे पूरा एस्थेटिक व्यू में अपना हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे फोटो निकालने के लिए, क्योंकि ये एक चीज अच्छी रहती है कि जब कपल को यहाँ पे आता है ना फोटोज, और ये खींचने के लिए हेल्प हो जाती है जेन्युइनली। इसकी फोटो मैं खींचूंगा, मेरी है, हम दोनों की साथ में आती नहीं, बट ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छे से हमारे वीडियोस और फोटोज भी। एग्जैक्ट, देखो हम अभी भी बात कर रहे हैं और वो फोटो खींचने में बिजी थे भाई अभी भी। डेडिकेशन देखो लेवल। धूप आ गई है थोड़ी सी, तो उस वजह से हल्का हल्का गर्म लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है तो उसमें और ज्यादा मजा आ रही है। ये बोट इतनी हिल रही है, हमको बहुत बहुत डर लग रहा है। बड़े मुश्किल से यहाँ खड़े हैं फोटो खिंचवाने के लिए, टाइटैनिक तो नहीं हो पाएगा भाई। ये बंदा अपने पूरे हंस रहा है, बता अंदर अंदर हंस रहा हूँ। टेबल ऐसा यहाँ पे सेट हो जाता है, केक आ गया यहाँ पे। ऐसे बहुत बार केक कटते हैं इधर, रोज ही कटते हैं। वो परेशान हो गए, उन्होंने बताया ना केक खा खा के केक खाने का अभी नहीं होता बोले, रोज केक कटते बोले यार। अभी हम ऑन द वे बैक जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं। छोटा सा टेबल बड़ा हो गया और यहाँ पे केक भी आ गया, मेरा ऐसे बुके भी आ गया। सो दिस इज द ब्यूटीफुल केक एंड दिस इज द ब्यूटीफुल लेडी। हम लोग जो अभी बोट में बैठे हैं, इसका नाम है सी बर्ड। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 6 लोगों की है। आप एक बोट बुक करते हैं, आप 6 लोगों को ले जा सकते हैं, विच इज रियली गुड। एक छोटी पूरी फैमिली आ सकती है आपकी प्राइवेट बोट में, बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस है ये। प्लस हमने जो स्लॉट बुक किया था वो था 7 to 9, ये फर्स्ट स्लॉट रहता है। यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग के 2 अलग अलग स्लॉट्स रहते हैं। हमारे हिसाब से हम रिकमेंड करेंगे कि आप मॉर्निंग का स्लॉट प्लीज बुक कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और अगर मॉर्निंग का स्लॉट बुक नहीं होता है तो यू कैन गो फॉर 4 to 6 स्लॉट। 4 to 6 स्लॉट में सनसेट भी दिखता है ना, एज ए कपल भी आ सकते हैं, और साथ में अगर आपको फोटोज खिंचाना है वीडियो निकालना है तो भाई है भाई को बताने का। तो ये बोट राइड अगर आपको बुक करना है तो बुकिंग के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। लेजर कार्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, leisurecart.com पे जाके आपको वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बोट के डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसको आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। ये यहाँ पे आके या फिर ऑफलाइन बुक नहीं होती है, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है। इनका व्हाट्सएप नंबर प्लस इनके ऑनलाइन डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके ये बोट्स बुक कर सकते हैं। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से है, 7-8 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। 7-8 लोगों की कैपेसिटी नहीं है, 6 लोगों की कैपेसिटी है। एंड वहाँ पे भी जगह है, वहाँ पे बैठ सकते हैं। बस चादुल अपने बाल ही संवारते रहे, बस वही कर रहे हैं। हवा एक्चुअली हम लोग बैक जा रहे हैं वापस। द बोट राइड दैट वी हैड इज रियली सेफ एंड इट्स नॉट दैट रिस्की, प्लस दे हैव लाइफ जैकेट्स विद देम, इट इज एन एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन। वापस जाने की इच्छा हो रही है? हाँ, अभी हो रही है। मतलब जितना टाइम रहना चाहिए सफिशिएंट, ज्यादा समुद्र में कॉन्स्टेंटली नहीं रह सकते हम। पहुंच गए वैसे यहाँ पे, अभी वो आएंगे डिंगी। डिंगी बोलते ना उसको, छोटी है ना इसलिए डिंगी। एंकर कर दिया है बोट को और हमारी छोटी सी डिंगी वापस आ गई है। ये डिंगी पे हम बैठ के वापस जाने वाले हैं। ये हम लोग पहुंच गए। कैसा था एक्सपीरियंस तेरा? मुझे अच्छा लगा, इसलिए सेकंड डे भाई ना मैं। ये एक्सपीरियंस आपने एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वाचिंग आवर व्लॉग्स। बाय।